9 फरवरी को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में आज रेड क्रॉस भवन में सभी ब्लॉक के टीचर्स को आमंत्रित किया गया। इसमें उन्हें बताया गया कि किस तरह से कृमिनाशक गोली एल्बेंडाजोल बच्चों को देना है, ये गोली कैसे देनी है, इस बारे में पूरी प्रक्रिया समझाई गई। वहीं डॉक्टर निकिता ने बताया कि यदि किसी टीचर को गोली खिलाने के बाद कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए एक मेडिकल किट भी सभी टीचर्स को दी जा रही है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी सबको बताया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। एनीमिया है, एनीमिया आपको लगता है बच्चा बहुत कमजोर है, तो ये सब चीजें हैं जिनके लिए आप मुझसे डायरेक्टली आज जो है एनडीटी प्रोग्राम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें सारे ब्लॉक के टीचर्स को बुलाया गया है। इसमें 9 फरवरी को होने वाले नेशनल डीवर्मिंग डे के तहत उनको सारी जानकारी दी जा रही है, जिसके तहत उन्हें एल्बेंडाजोल की टैबलेट कैसे और कब खिलानी है ये बताई जा रही है। और इसके अलावा इसमें अगर कोई परेशानी आती है तो इसके लिए हम अपना डायरेक्ट नंबर भी उनको दे रहे हैं कि कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा हमने टीचर्स को इमरजेंसी किट भी मेडिसिन की प्रोवाइड करी है कि अगर कभी उन्हें कोई ज़रूरत लगती है तो वो बच्चों को कैसे खिलाए इसके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 108 या जननी एक्सप्रेस के थ्रू बच्चों को हॉस्पिटल में अपनी जो भी परेशानी है वो लेके आ सकते हैं।